दोस्तों एक तरफ जहां पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि मुनव्वर जो है वो जीते नहीं, तो एक तरफ के लोग ये चाहते हैं कि भाई मुनव्वर से बेहतर कोई हो ही ना। इस समय ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एक्स कंटेस्टेंट्स टीवी सेलिब्रिटीज का अगर सपोर्ट किसी को मिल रहा है दोस्तों, तो वो नाम सीधे सीधे मुनव्वर का है। बिकॉज एक अलग लेवल का फैंडम मुनव्वर ने अपने लिए इस बिग बॉस के घर के अंदर बनाया है, और जो भी फैंस अभी वो इसके आगे बनाएंगे ना, वो सब एक बोलते हैं ना कट्टर फैन बेस की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है ये मुनव्वर का जो फैंडम है वहां पर। बिकॉज भाई क्लियर कट सी बात है, एक बोलते हैं ना कि ऐसे समय पे जहां पर उस बंदे का पूरा पास्ट लाइफ खुलकर सामने आ चुका है, पास्ट हो प्रेजेंट हो सब कुछ दिखा दिया गया है बिग बॉस के घर के अंदर, और लिटरली धजिया उड़ाई गई है किसी एक कंटेस्टेंट की, खास करके मुनव्वर की, तो भाई जाहिर सी बात है सपोर्ट आना बनता है। और अगर इतना सब जानने के बाद भी सपोर्ट आ रहा है ना, तो फिर मुनव्वर वो डिजर्व करता है या फिर उसकी नसीब में लिखा था वो। फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो जिस एक्स कंटेस्टेंट की बात कर रहा हूं जो मुनव्वर को सपोर्ट कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि एजाज खान है। भाई बिग बॉस के बारे में एजाज खान से बेहतर ना कोई बात कर सकता है ना कोई समझ सकता है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। फिलहाल एजाज खान का एक वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूं। जो मेरा है उसे पाना है मुझको, हर मुश्किल से टकराना है मुझको, और जहां सब हार मेरी चाहते हैं वहीं से जीत कर आना है मुझको। मुनव्वर मेरी जान तो जीत के आएगा इंशाल्लाह ताला। ये आप सुन सकते हो किस तरीके से एजाज खान मुनव्वर का सपोर्ट कर रहे हैं, क्लियरली सपोर्ट कर रहे हैं ओपनली कि ट्रॉफी डोंगरी ही आ रही है, ट्रॉफी डोंगरी ही आएगी और मुनव्वर ही जीतेगा, मुनव्वर ही जीत कर आने वाला है। और इसके पहले भी एजाज खान ऐसे बहुत सारे ट्वीट्स कर चुके हैं एजाज खान जो है मुनव्वर को लेकर। फिलहाल दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, वीडियो आपने देखा उस पर आपकी क्या राय है जरूर बताएगा हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो पर, धन्यवाद।